अर्जुन वर्मा ऐसे बयानबाजी करता है जैसे उसे कोई शर्म नहीं है। वो इंटरव्यू का खुद की बहन उसे सेफ हो या ना हो, भगवान ना करे, सचिव इतना जान। अर्जुन वर्मा को कैसे क्या सजा मिलेगी? देखिए, वो गलत किया उसको सजा मिलेगी, अगर मालती सही है तो अर्जुन को सजा मिलना। कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपके करेक्टर पे बहुत बड़ा दाग लगा? या बहुत बड़ा क्या, लेकिन देखिए जो गलत है, चाहे मेरे परिवार के साथ चाहे किसी के परिवार के साथ, जो गलत है भाई बहन के रिश्ते को लेकर के, वो गलत है तो गलत है मेरे भी लिए। ये मैटर कब तक शांत होगा? भैया मैटर तो शांत हो चुका है। और बात बोला था कि मेरा दो तल्ला है, एक में मालती के रखूंगा और एक में अपनी बीबी को। ऑलरेडी उसके घर में दो उसकी बीबी है, समझ लीजिए, बस इशारे में समझ जाइए, वो खुद समझ जाए। नमस्कार, बाइट भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और आज आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी भाई लोग आए तो कृपया मेरे प्रति बाइट लेने के लिए ना आए, क्योंकि देखिए जो मैटर अब खत्म हो चुका है, अब जो कानून में चला गया तो भैया वो कानून ही फैसला उसका करेगा। एक और चीज मुझे पूछना है, अर्जुन वर्मा तो 3 दिन का खिलाड़ी था, आप कहीं ना कहीं एक गोरखपुर, संत कबीर नगर या फिर यूपी के इधर के, मतलब एक बहुत बड़े यूट्यूबर रहे मालती चौहान और आप, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता है कि? तो मैं कहना चाहता हूं और कहूंगा भी कि मैं जब सही हूं तो सही हूं, और सत्य साबित करने के लिए जो सही प्रक्रिया वो करूंगा और कर रहा हूं। अर्जुन वर्मा को कैसे क्या सजा मिलेगी? देखिए, और वो भी हो जाएगा। वो अर्जुन वर्मा ऐसे बयानबाजी करता है जैसे उसे कोई शर्म नहीं है। वो इंटरव्यू का खुद की बहन है, जब बहन को कह सकता है तो भाई समझ सकते हैं आप सब। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी, आप लोगों के बीच में समझ में नहीं आ रहा है, ऑडियंस भी जानना चाह रही है कि वो कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। कुछ नहीं भैया, बस हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि समझ ही सकते जो अपना दिन बुरा चलता है तो कोई भी आके कुछ भी कर देता है। एक और चीज मेरे मन में क्वेश्चन है कि अगर आप लोग फोन पे बात करते हैं तो ये फोन की बातें सोशल मीडिया पे डालना कितना सही है? सही नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, कोई भी हो, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये मामला कोर्ट से होगा शांत? हाँ भैया, देखिए यहाँ थाना पुलिस कोर्ट, अब देखिए सरकार ही इसका और कोर्ट में जो होगा वही नियंत्रण होगा जो होगा। चलिए मैं इस बात को यहीं पे विराम देता हूँ, और जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट का होगा। विष्णु जी के कहने का मतलब ये है कि अगर दोषी जो भी है, अगर अर्जुन वर्मा दोषी है तो सजा उसके मिलनी चाहिए। और मालती चौहान, विष्णु राज और अर्जुन वर्मा की कहानी, आप सभी के स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग देखें मालती और विष्णु राज की वीडियो, जो कि कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग किसके साथ सपोर्ट में है कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी लेडीज हो, अगर गलत कर देती है, मर्द 1000 जगह गलत करे चल जाए, लेकिन औरत 1 जगह गलती करेगी तो आदमी को बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है। तो लेडीज को ये हरकत नहीं करना चाहिए जो कि मालती चौहान ने की है। मानते हैं विष्णु राज गलत था, लेकिन आपको अपनी चरित्र पर दाग खुद के नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि जब औरत गिर जाती है दुनिया की नज़र में तो हमेशा गिरी रहती हैं, तो खुद को किसी की नज़र में नहीं गिराना चाहिए। हाँ, पति गलत था, पति को डांटिए, बोलिए, समझवाइए, पंचायत बटोरिए, मीटिंग सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको ये हरकत नहीं करना चाहिए था मालती जी, हम तो यही कहेंगे। बाकी आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या हमने सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मालती चौहान ने कभी कुछ कह रही है वीडियो में, कभी कुछ कह रही है, इस तरह से बयान बदलना बहुत नीच औरतों का काम होता है, तो बयान मत बदलिए। कभी कह रही अर्जुन के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम अर्जुन से प्यार करते थे इसीलिए हम उनसे शादी कर ले, आप ही तो बोली थी, आज बोल रही हैं कि नहीं वो हमको मजाक था, उस दिन कहाँ गई थी, कहाँ वीडियो है जंगल में जाके बोल के डाली थी, हा? आज मजाक है, उस दिन तो कह रहे थे हम उनको बगैर नहीं रह पाएंगे तो इसलिए हम शादी कर लिए। बताइए आप लोग कुछ मत कहिएगा, मुझे जीने दीजिएगा दोस्तों, ये सब सही बात है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा।